हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है पनीर मसाला। और आइए देखते हैं इनके इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 200 ग्राम पनीर लिया हुआ है। इसे फाइनली मतलब स्मॉल स्मॉल पीसेस में आपको उसे चॉप करना है इस तरह से। इसके साथ ही जो है हमें 2 मीडियम साइज प्याज को चॉप करना है, 3 ग्रीन चिली, और ये जो है 10 से 12 कलियां लहसुन की, और छोटा जो है 1/2 इंच अदरक का, 1 स्पून पेपर पाउडर, 1 स्पून जो है जीरा पाउडर, 2 स्पून हमें चाहिए धनिया पाउडर, एंड 2 स्पून जो है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च लिया हुआ है, इससे कलर जो है उसका अच्छा आता है, और 2 जो है मीडियम साइज टमाटर लिया मैंने, और साथ ही साथ मैंने लिया है 2 छोटा दालचीनी सिनेमन स्टिक, और 2 इलायची, और 3 क्लोव, और 2 छोटे तेज पत्ते के। इसके साथ जो हमें चीज चाहिए, हमें नमक चाहिए होगा और थोड़ा तेल। तो आइए सबसे पहले हमें जो है पनीर को फ्राई करना है। तो यहाँ पे हमारा जो बर्तन है वो गर्म हो चुका है, उसे तेल ऐड करेंगे। और तेल ऐड होते के साथ ही हम जो है इसमें पनीर ऐड कर देंगे। पनीर हमने यहाँ निकाल के साइड कर लिया है, और जो हमारे बर्तन में तेल बचा था हम उसी तेल में शाहजीरा डालेंगे थोड़ा, और ये जो 2 इलायची थी और लौंग, दालचीनी उसमें भी डालना है, इसमें तेज पत्ता, और साथ ही साथ जो है हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। अच्छे से मिला लीजिए, जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। जब तक ये प्याज जो है वो ये भून रहे हैं, हम इसी बीच में जल्दी से फटाफट हम जिंजर गार्लिक और ये ग्रीन चिली का स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। हमारा ये जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली पेस्ट जो है ये बनकर तैयार हो गया है। इसी में हम जो है जीरा पाउडर भी ऐड करेंगे। जीरा पाउडर, धनिया और जो पेपर पाउडर मैंने दिखाया था उन्हें भी डालकर हम एक बार और ग्राइंड कर लेंगे। हमारा पेस्ट जो है वो तैयार हो चुका है, और साथ ही साथ हमारा यहाँ पे प्याज भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हमें इस स्टेज में हमारा जो पेस्ट हमने पीसा है हम उसे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसे अच्छे से भूनिए। तो मसाला जो है उसको भी कच्चा नहीं रहना चाहिए, अच्छे से भून जाना चाहिए, और साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे हमारे चॉप टमाटर्स। सभी को अच्छे से मिक्स करके अच्छे से इसे भूनना है, और तब तक हमें भूनेंगे जब तक ये सारा मसाले का कच्चापन ना चला जाए और ये जो टमाटर है मैच ना हो जाए। हमारा मसाला जो है वो पक रहा है। इस स्टेज में हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए इसमें, कम या ज्यादा जैसा आप खाते हैं। और अब इसे धीमे आंच पे ढक्कन ढककर भुनने के लिए छोड़ दीजिए। आइए देखते हैं हमारा मसाला जो है कहां तक पहुंचा। ये देखिए अभी भुन ही रहा है। ये टमाटर काफी हद तक गल चुका है, और जो नहीं गला होगा थोड़ा बहुत तो आप उसे ऐसे स्पून की मदद से इसे मैश कर लीजिए। बस विद इन 2 मिनट जो है ये मसाला भुन जाए। मसाला भुनकर तैयार हो चुका है, क्योंकि कॉर्नर्स में ऑयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें हमारा फ्राइड जो है पनीर ऐड करेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स करना। मिक्स करने के बाद हम इसे धीमे आंच में 2 मिनट और पकने के लिए छोड़ देंगे ढक्कन लगाकर, ताकि ये और जितना भी इसका मसाला है वो पनीर में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। 2 मिनट हो चुका पनीर को पकते हुए इस मसाले में। आइए चलिए चेक कर लेते हैं इसे। और ये देखिए हमारा पनीर मसाला बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देखने में।
चलिए इसकी ग्रेटिंग कर लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए हमारा पनीर मसाला बनकर तैयार हो चुका है। ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा है और टेस्ट भी उतना ही मजेदार है। आप प्लीज इसे घर पे ट्राई करके देखिए। ये कम मसालों में बनने वाला रेसिपी है, बिना काजू और बिना किसी और मगज के। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।